आपकी मत देख के ना बड़ा जोश आ गया है मेरे में। पिछली लगाई के प्लास्टर इबे टूटे नहीं और आगे सांड से लड़ने। सांड? मेरा एक बाईस है, ओमी भाई नहीं एक और बाईस है जी। बाबा 5 साल का था तो सांड तय बिड़ गया, हाथ पैर तड़वा लिए। जब ठीक हुआ तो फिर बिड़ गया, फिर हाथ पैर तड़वा लिए। जब फिर ठीक हुआ फिर बावले ने सर दे मारा सांड में। लोका में से मेरा भाई क्रेजी से, पर मन ने मेरा भाई बहुत अच्छा लगे से। और आप भी शर्मा जी, बस मन्ने भी डिसाइड कर लिया है, बैठ जाना है सांते, जो देखी जाएगी। प्रेम तो करें से ना डॉक्टर साहब, यूं नहीं हाथ रख के बोलो तभी मानेंगे। हाथ रख के कहिए तभी मानेंगे, वरना क्या फायदा। बस फिर चलते हैं जज्जर, फैमिली से निपट। पिट पटा जाओगे तो डरी है ना डॉक्टर। अरे हमने कहा जब रेबड़िया बटी रही है तो हमें भी दे दो दो चार। अरे कुछ ही देर में शादी है कोमल की, चलो ना चंडीगढ़। पप्पी भाई साहब, जो आपकी इमरजेंसी है तो आपका काम पहले करा लेते हैं। इब क्यों होया, बांधो बस थे, चलो आई एस बेटी पकड़ो पंजाब रोडवेज। अबे पगला गए हो क्या, दिन में बैठ के शराब पियेंगे, लेडीज बैठी है सामने दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी भैया जी। क्या हुआ, क्यों इतना गर्म हो रहे हो? ऐसा है तनु, तुम्हारे पति वो कमीने डॉक्टर साहब है राहू, और वो आके हमारी कुंडली में फिर से बैठ गए, और इस बार हम बता रहे हैं हम नहीं कटवाएंगे अपना। सोमवार हो या मंगलवार साले को गोली चला देंगे। क्यों गालियां दे रहे हो, क्या हुआ बताओ तो सही। 4 साल तनु, 4 साल मेहनत करके एक लड़की ढूंढी थी, न उससे मिले न उससे बात की, सीधा शादी को हां कर दी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसी दिखती है, और हम कहे तुम नहीं तो तुम्हारे जैसी सही, लेकिन तुम्हारे पति से वो भी देखा नहीं जा रहा है। साले को ओरिजिनल भी यही रखेंगे, डुप्लीकेट भी यही। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मतलब है इन सब बातों का? मतलब ये है कि दिल्ली में आशिकी चल रही है उनकी, हमारी मंगेतर के साथ। किसकी? मनु शर्मा की। हाँ। तुम्हें किसने कहा? हमारी दीदी ने। तुम्हारी तो कोई दीदी नहीं है। अरे है कोई दूर की, तुम नहीं जानती उन्हें। कहाँ रहती है? अरे कहा ना, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? अरे उत्तम बिहार में। लेकिन मनु तो मयूर बिहार में है। अरे तो कहीं और मिले होंगे, हमको क्या पता। तो उसे तुम्हारी दीदी से प्यार हो गया है? अरे हमारी दीदी से नहीं, उनकी ननद से। लेकिन तुमने तो कहा वो तुम्हारी दीदी के साथ घूम रहा है। ओ तनु चतुर्वेदी, तुम रॉ की एजेंट हो क्या? जो कह रहे हैं समझो बात को, तुम्हारे पति प्रेम में पड़ गए हैं, धोखा दे दिया है तुम्हें, तुम्हें ठेंगा दिखा के दूसरी शादी कर रहे हैं, और इस सब में हमारी बत्ती लग गई है। मुझे क्या ठेंगा दिखाएगा वो, 40 साल की उम्र में किसी का घर बस जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। समझ गया ना, बात कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे क्या ठेंगा दिखाएगा वो, he's a small potato। पोटेटो हो या एप्पल, हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी मंगेतर हमें वापस लौटा दो, या फिर तुम चली आओ हमारे पास। हमें सीधे साधे ठेकेदार आदमी, ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, बस इतना जानते हैं कि ईंट से ईंट जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब वो जेक के सीमेंट हो चाहे अंबुजा सीमेंट, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ईंट से ईंट जोड़नी चाहिए बस। अबे ऐसे कैसे हमारे पेट में चक्कू देके कर लोगे शादी डॉक्टर? क्या हुआ भाई साहब? ओ हनुमान जी। भाभी, आप यहां? बड़े छुपे छुपे घूम रहे हैं आप। कौन हम? कहाँ है आपके भाई साहब राजा राम? कौन? मनु भैया। अरे उनसे तो सालों से नहीं मिले है यहाँ। कोमल कौन? कोमल कोमल भैया, वो लास्ट कुल्फी काउंटर पे दिखे थे। हा? कोमल क्या भैया, मैं माफ कर दो, जब तक मैं होश रहा था हम किडनैप कर चुके थे। मुझे सब बर्बाद हो गया। एक मिनट कोमल, देखो तुमसे मिलने कौन आया है।
अबे डॉक्टर साहब, वाह शर्मा जी, हम थोड़े बेवफा क्या हुए? आप तो बच्चलन हो गए। घबराइए मत, हम यहाँ सिर्फ आपकी दुल्हन देखने आए हैं। कौन है वो जिसने चार हफ्तों में वो कर दिखाया जो हम चार साल में ना कर सके? मेरी तरह लगती है रिबॉक नहीं तो रिबुक ही सही। शर्मा जी, ये ढूंढिए आपने मेरी जगह, ये चोकर, ये गवार। यू डिजर्व बेटर देन दिस, आई डिजर्व बेटर देन दिस। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। ए छोरी, उसमें आ जा, तमीज से बात कर। मेरे पे आस रही है, हारे में क्या लियाकत है? खुद का घर तो तेरे से संभला को ना। बचपन से जमाने तक बाप ने पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद शर्मा जी ने अपने पीछे का कदे अंडरवेयर तक तल लिया को ना। मेरे पे असरी से, इनके क्रेडिट कार्ड पे तो दुनिया घूम शराब पी और फैशन कर। मैं कहाते गुबार हो गई, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एथलीट कोटे पे अपने दम पे एडमिशन लिया। मैं स्टेट लेवल के एथलीट हूँ, मेरे को गुबार कह रही है। मैं थारी जिसी ओवर स्मार्ट ना हूँ, पर मैं अपने घर के लिए रोटी भी कमा सकूँ, अपने बालका को भी पाल सकूँ। तू ना रोटी कमा सके, बालक तो थारे बस के है ही कोना। आप लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? आप इसे कुछ नहीं कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। रिश्ते तब बनते हैं जब रिश्तों को संभाल के रखा जाता है। यू शट अप, यू ओमी भाई साहब, शादी का डेट निकलवाइए। अजी, डाल दूं माला? डालो डालो माला, सब इधर देखो, चलो। तनु, वो रीच वर्क किया था, अब भारी इंग्लिश में बोलना। ए हेलो, जस्ट बिकॉज़ यू इन हरियाणा यू कैन नॉट स्पीक इन दिस न्यू पेट्रियार्कल एंड न्यू फ्यूडल टर्म्स, ओके? इट्स हर चॉइस हु बाय हर अंडरवेयर। रितु के बोलेगी, तू अपने पति को बता दे थारा बालक किसे होया से। ओ पैंट जी, कैसे हुआ, क्या मतलब है? जैसे सबका होता है वैसे हुआ है, अस्पताल में हुआ है जी, और की बता। बोल, अस्पताल में होर की। क्या ये डिवोर्स पेपर्स? शादी मुबारक। कल जो भी हो उसकी मुझे बहुत शर्मिंदगी है, लेकिन शर्मा जी के इतने एहसान हैं मुझ पे, उन्होंने मेरी शादी पे पूरा काम करवाया था। अगर मैं उनकी शादी में कुछ कर सकूं, हो सकता है कुछ एहसान कम हो जाए। प्लीज, कब है शादी? 18 तारीख को। बड़ी चलती है यार, क्या हो गया तुम्हें? क्यों करी ये सब? मुझे नहीं पता। आई लव यू शर्मा जी, मैं जानती हूँ आप भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है जो तुम सोचोगे वही होगा और कोई कुछ नहीं कहेगा? जो कहना है कह लो, लेकिन घर चलो प्लीज। तुम्हें समझ में नहीं आता चतुर्वेदी, सब कुछ खत्म हो चुका है, इट्स ओवर। एक वक्त के बाद ना इंसान के पैर जवाब दे जाते हैं, मेरे दे गए, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मेरे पैरों ने अभी जवाब नहीं दिया है मनोज शर्मा, मैं तुम्हारे साथ पैरे देख कर ही जाऊंगी। तनु,
शर्मा जी, पिंकी तो चल मैं आई। शर्मा जी वो पायल आई थी मन मिलन, वो कुछ नहीं बदलेगा कुसुम। ये पिछले 5-6 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है ना, तनु का यहाँ आना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पिछले दिनों में मैं भी तुम्हें अनश्योर लगाऊंगा, और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि घबराइएगा मत, मैं बहुत अच्छा हस्बैंड बनके दिखाऊंगा। ठीक है, आ जाओ फिर मंडप में तैयार होके। हाय, क्या बात है? सारी सहेलियां ढूंढ रही है और आप यहाँ? वो जो लड़की है ना जिसकी सगाई हो रही है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी दुश्मन थोड़े ना हूँ कि वहाँ जाके बैठ जाऊँ। दुश्मन मतलब? मैं समझा नहीं। ओह गॉड, अगर मैं वहाँ जाके बैठ गई तो वो लड़का मेरी सहेली की जगह मुझे नहीं पसंद करेगा। और आपकी सहेली भी काफी खूबसूरत है, मैंने देखा उसको। अच्छा तुम एक बात बताओ, टीवी प्लाज्मा में से क्या चूज करोगे? प्लाज्मा इंडिका फरारी में से? फरारी, दैट इज द डिफरेंस। वो टीवी है, मैं प्लाज्मा, वो इंडिका है, मैं फरारी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत? लगता है मतलब, एक मिनट तुम मुझे ध्यान से देखो। तुम खूबसूरत हो लेकिन उतना नहीं जितना तुम समझती हो। सनसेट बीच पे मेरा एक शेक है, मैं रोज वही मिलती हूँ। जी आपको तो मैं इतनी खूबसूरत नहीं लगी, तो आप वहाँ आओगे भी नहीं? हाँ देखते हैं। आई न्यू इट। क्या है ये? है क्या ये? मेरा दिल है यार। तुम लड़कियों को दिल विल प्यार वार के अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? समझा अपने फ्रेंड्स को? क्या समझता है अपने आप को? कुछ तो है इसमें, तभी तो शहर की 150 लड़कियां मरती है इस पे। हे एक्सक्यूज मी, थैंक गॉड इस महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं देना पड़ेगा। ओह गॉड, अभी तुम भी हिम्मत कहना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। प्लीज मुझे तुमसे? नो वे। ओह गॉड इज ग्रेट, कम से कम एक लड़की तो मिली जिसकी सोच प्यार व्यार से ऊपर है। उसमें बुराई क्या है? अरे अच्छा ही क्या है यार, खूबसूरत समझती है अपने आप को। यार खूबसूरती ऐसी होनी चाहिए। मेरे जैसी? नहीं, तुम में भी कमियां हैं। जैसे? जैसे ये आपका जो चेहरा है ना, ऊपर से एकदम फर्स्ट क्लास शुरू हो जाता है, कि नीचे नीचे आते ही गड़बड़ शुरू हो जाती है ना। नाक भी थोड़ा शार्प हो सकता है। एक्चुअली यू नो, खूबसूरती जो है ना वो सिर्फ चेहरे पे नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, चेहरे में ही होती है। आपका चेहरा देखिए, कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। आई नो, वेरी हैंडसम। बाय। संजना क्या बात है, इतना हंस क्यों रही है? मिस यूनिवर्स का फोटो छपा है। देखो देखो किस किस को बना देते हैं मिस यूनिवर्स। दीस गाइस आर कमिटिंग सुसाइड। कम हरी अप, कम फास्ट। क्यों कर रही हो तुम सब लड़के मिलकर मास सुसाइड? इसकी वजह से हम सब लड़कियां ऐसे इतना प्यार करती है, और आज पता चला कि वो किसी संजना से प्यार करता है। संजना? हाँ, कहते हैं शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। अभी मुझे देखो, मुझमें क्या कमी है? मिस डबल हूँ मैं। कैसे बन गई? क्या आई मीन बुद्धू कैसे बन गई? ऐसा क्या है इसमें? अरे गौर से देखिएगा, इसमें क्या नहीं है? सामने आता है तो दिल धक धक करने लगता है। लेकिन अगर ये संजना से प्यार करता है तो उसे बताया क्यों नहीं? ये बताएगा? अरे इसकी ईगो, इसका एरोगेंस जानती हो? वो मर भी जाएगा लेकिन आई लव यू नहीं बोलेगा। बोलना तो संजना को ही पड़ेगा।
हाय सॉरी ओह इट्स ओके मुझे शादी में बुलाया तक नहीं सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कितने दोस्तों को बुलाना भूल गई हूज द लकी वन तुम्हारी पसंद है हैंडसम होगा नहीं ठीक है कॉम्प्रोमाइज ही समझो कॉम्प्रोमाइज और नहीं तो क्या मेरे लायक तो कोई बना ही नहीं है लेकिन एक क्वालिटी है उसमें कोई ईगो कोई एरोगेंस नहीं है बस उठते बैठते सोते जागते आई लव यू संजना आई लव यू संजना आई लव यू संजना बोलता ही रहता है आई लव यू बोलता है और तुमने शादी के लिए हां कर दी नहीं करता भी है करता तो हां हां तुम कुछ कह रहे हो इट्स टू लेट शादी अभी हुई नहीं है कैंसिल भी तो हो सकती है ना क्या तुम मुझे जानते कहां हो मैं बहुत बड़ी वाली पागल हूं और अगर हम मुझे उससे अच्छा ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिले तो why not समझना I also really love you really yes I love you very much लेकिन तुम ये अचानक मुझसे नहीं अचानक नहीं याद है जब हम पहली बार मिले थे वो टीवी प्लाज्मा वो इंडिका फरारी तभी हो गया I swear मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ उसने बोल दिया ना I love you चल अब तो मेरी शादी करवा दे इसकी शादी है मैंने कहा दो गाउन बनवा ले किसी से आई लव यू बुलवाना है चलो सच में बहुत बड़ी वाली पागल है